अस्सलामुअलैकुम गाइस, वेलकम बैक टू शमा चैनल। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। जी गाइस, आज जुमा है और रमज़ान का पहला जुमा। रोज़ा रख लिया है और मैंने सहरी कर ली है अल्हम्दुलिल्लाह से। लाइट सा मैंने पराठा बनाया था छोटा सा, और साथ लस्सी थी और साथ थोड़ा सा सालन लिया। मैंने अचार नहीं लिया क्योंकि अभी भी मेरा गला ठीक नहीं है, लेकिन रोज़ा रख भी मुझे लगता है इसी से मेरा ठीक हो जाएगा, मुझे उम्मीद है। और बस आज जुमा है और जुमे की तैयारी भी करनी है, जुमा भी पढ़ना है। मैंने सहरी तो कर लिया, अब जाऊँगी शावर लेने, शावर लेके आऊँगी, फिर हम लोग नमाज पढ़ेंगे। मम्मा ने भी रोज़ा रख लिया है, भाई ने भी, सब ने रोज़े रख लिए हैं। और कल जो अफ्तारी में बनेगा ना, इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करेंगी। और पढ़ना है अभी, सफारा भी पढ़ना है, तस्वीर करनी है, बहुत कुछ करना भी बाकी है। बस और अजान जैसी होती है, फिर अजान सुन के फिर हम लोग जाते हैं शावर लेंगे। शावर लेके 20 मिनट के बाद फिर हम लोग नमाज पढ़ेंगे। नमाज पढ़ने के बाद फिर सुबह जो भी करेंगे इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करेंगे। अभी फ़िलहाल कपड़े निकालती हैं, चलते हैं शावर लेते हैं। और इस वीडियो को देखने से पहले आप लोगों ने क्या करना है, मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है, पूरी वीडियो देख लीजिएगा। और चलते हैं अभी कपड़े निकाल। मैंने शावर ले लिया है, नमाज का टाइम हो गया, अजान हो चुकी है, अब नमाज पढ़ते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह से गाइस, मैं नमाज़ पढ़ने लगी। नमाज़ पढ़ के फिर हम लोग सुबह मिलेंगे। जी गाइस, सुबह हो चुकी है, नेक्स्ट डे आज जुमा है। मेरी आवाज़ फिर नहीं निकल रही है, इतनी ख़राब है, पता नहीं क्यों मेरा गला ख़राब है। आप लोग बताएं, मैंने इतनी मेडिसिन खा ली है लेकिन मेरे गले को अभी तक फ़र्क नहीं पड़ा। और आपको मेरी तरफ से जुमा मुबारक। और आज जुमा है और मेरा एक वीक हो चुका है, गला मेरा ठीक नहीं हुआ है। तो अब मैंने मेडिसिन तो खाई थी सहरी टाइम, जब मैंने रोटी खाई है ना, सहरी की है, तो सहरी के साथ ही मैंने तो सिरप भी पिया, मेडिसिन भी खाई, लेकिन मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। और अभी तक मेरा गला उसी तरह ही बंद है और मेरे से तो बोला भी नहीं जा रहा। फिर भी मैंने कहा नहीं, शूट करते हैं और आज अफ्तारी में क्या क्या बन रहा है आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। और मुझे तो उधर किचन में देखते क्या बनाते हैं। और आज मेरी वैसे भी तबीयत ठीक नहीं थी, फिर भी मैंने सोचा कि यार नहीं, आप लोगों के साथ व्लॉगिंग शेयर की जाए। मेरे फ्रेंड्स इंतज़ार कर रहे होंगे, छोटे से तो मेरे, थोड़े से तो फैंस हैं, कोई बात नहीं, इंशाल्लाह एक दिन वो भी ज़्यादा हो ही जाएंगे व्यू, और लोग जब देखेंगे मुझे, और इंशाल्लाह। और आप लोग भी दुआ कीजिएगा मेरे साथ जाते हैं किचन में, क्योंकि आज हांडी की बारी मेरी है, कुकिंग की बारी मेरी है। आज बनाना है आलू गोश्त का शोरबा। जो अफ्तारी में है ना, वो तो हमारा चिकन पकौड़े हैं, मैंने क्रीम चाट बनाई है, दही भले हैं, और फ्राइज़ है, नगेट्स हैं, और भी पता नहीं क्या क्या, मुझे अभी फ़िलहाल नहीं पता। बस मुझे इतना पता कि आज मैंने हांडी पकानी है। मैंने सोचा कुकिंग करने से पहले ना सफारा पढ़ लेते हैं, सफारा पढ़ के फिर हम लोग कुकिंग करेंगे और थोड़ी सी एनर्जी आ जाएगी सफारा पढ़ के। जी अल्हम्दुलिल्लाह से गाइस, मैंने सफारा पढ़ लिया है और अब जा रही हूँ किचन में, कुकिंग करती हूँ, और जो जो साथ करते जाएंगे आपके साथ शेयर करते जाएंगे। जाते हैं किचन। अल्हम्दुलिल्लाह से ये मैंने आलू गोश्त का लाइट सा शोरबा बना लिया है, और ये बनाया था मामा ने, चांपे नहीं होती मटन, वो सालन बनाया, बड़ा ही मज़ेदार सा ये बन रहा था। और साथ ये हम लोगों ने बनाए हैं पकोड़े, सिंपल पकोड़े आलू प्याज और धनिया पुदीने के, और ये फ्राइज़ है, इसको भी मैरिनेट कर दिया, और नगेट्स को भी हमने फ्रिज में से निकाल दिया ताकि ये ज़रा नरम हो जाए, फिर हम लोग फ्राई करेंगे, अगर फ़ौरन फ्राई करेंगे कच्चे रह जाएंगे। और साथ ही हमारे बन रहे चिकन पकौड़े, क्योंकि अफ्तारी में टाइम थोड़ा है और गैस भी लेट आती है, और जिसकी वजह से फिर इस तरह की चीज़ें हमें बनानी पड़ती हैं। और ये क्रम्स वाले चिकन बन रहा है हमारा, ये अकबर का होता है, उसे बहुत पसंद है, उसने यही खाना हर रमज़ान जो मर्ज़ी हो जाए। और ये नगेट्स भी फ्राई होना स्टार्ट हो गए, जो जो चीज़ें बनती जा रही थी भी मैं दस्तरखान पे रखती जा रही थी, थोड़ी थोड़ी चीज़ें भी बनी थी भी मैंने थोड़ी थोड़ी वीडियोज़ बनाना स्टार्ट कर दी। चिप्स भी बन गई थी, नगेट्स भी बन गए थे, क्रम्स वाले चिकन भी बन गए थे, और ये क्रीम चाट भी ऑलरेडी तैयार हो गई थी, अभी इसके ऊपर डिज़ाइनिंग होनी थी, सैलड भी अभी थोड़ा सा आया था, और दीन भले भी खजूरें भी जो चीज़ें आती जा रही थी अब थोड़ा थोड़ा ना कैप्चर करती जा रही थी। और अभी मैंने क्रीम चाट को भी डेकोरेट करना था, इसके ऊपर स्ट्रॉबेरी रखनी थी, और दूध भी आ गया था, अकबर ने मिल्क शेक वाला दूध पीना था जिसमें खजूर बादाम काजू ये वगैरह चीज़ें होती हैं, और उसने वो पीना होता है। और सैलड भी हमारा रेडी हो चुका था अल्हम्दुलिल्लाह से, माशाल्लाह हर एक चीज़
चीज़ अच्छी बन जाती है, गैस आ रही हो ना तो हर की चीज़ बन जाती है। ये कचौड़ी एंड पे आई हैं और समोसे और रोल वगैरह, और ये मम्मा ना प्लेटें रेडी करने लग गई थी। खुद ये मेरी प्लेट थी जिसमें दो मिर्चें थी, पकौड़े थे, नगर्स थे और फ्राइज थी, दो खजूरे, और सब ने भी दो दो मिर्ची ले ली, एक एक ली, किसी ने एक ले ली, दो ले ली, क्योंकि मुझे दो पसंद होती है, मैंने दो ही खानी होती है। ऐसी रेडी कर लेंगे, चलें जब अफ्तार करते हैं। अजान हो चुकी है और ये अफ्तारी के बाद की चाय। ओए होए होए, माशाल्लाह माशाल्लाह, कितनी अमेजिंग लग रही है, डिलीशियस। तो ये तुमने क्या बनाया है? ओए मैं मर गई, अब इस सूप को हम गिरा देंगे। मुझे सच बता, क्या बना रही हो तुम? गंदा लग रहा है, मुझे समझ नहीं आ रही है घर क्या रही है ये। क्या ये नई किस्म की मैक्रोनी है? खाली प्याज और नमक और मसाले इसके। ओए अल्लाह, खा के पेंगे हम इसे सॉस साथे कर लेते हैं। ओ ये अमेजिंग, ओ माय गॉड, कितना मजेदार, कितना अमेजिंग बना है, खा के पता चलेगा। हाँ जल गया बस, चलो नमक। हाँ क्या कर रही है? नमक ओ ए रुक जा पागल। ये है उस वक्त की मैक्रोनी जो इतने मज़े ले लेके बना रही है और ये डिश आउट करने लगी। ओए होए होए होए, क्या शक्ल है, क्या शक्ल है। ओ हो, और ये देखिए मेरी चाय। हमारी अब कैसी, पता नहीं ये क्या बनाया इसने। मैक्रोनी बन चुकी है उस और जोहा की, ये देखिए क्या अजीब सी बनाई है, और ये मेरी चाय, बस लाजवाब लाजवाब ला। पता नहीं कैसे, मैं थोड़ी सी टेस्ट करती हूँ, टेस्ट करती हूँ फिर बता करो क्या टाइम क्यों मैं टेस्ट करा, मैंने मरना तो नहीं है जी। गाइस इसने मैक्रोनी तो बना दी है, अब थोड़ी सी मैं टेस्ट करती हूँ। आवाज़ आ रही थी, पता नहीं क्या चीज़ बनाई है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, इसको टेस्ट करना भी है जैसा जैसे मैंने मर जाना खा के। मैं कसम से गाइस मेरा जरा दिल नहीं कर रहा है उस तारी के बाद कौन खा बिस्मिल्लाह पढ़ो कौन मैक्रोनी खाता, कसम से इतनी पूरी इतनी खाने को। ये अजीब सी शक्ल अजीब लग रही है इसमें, क्या चीज जीरा सूखा तमिया, वाह ओह माय गॉड, कितनी शक्ल देखो कितनी क्यूट है, कितनी क्यूट सॉफ्ट सॉफ्ट सी। थोड़ी सी टेस्ट कर लेती बच्ची की, थोड़ी थोड़ी सुबह ना आपने पापा ने साथ में अल्लाह अल्लाह के पास पूरी डालो डालो मेरे को खाना। गाइस अच्छी बनी है, नॉट बैड, मुझसे कि चिकन नहीं है ना वेजीज है, लेकिन अच्छी बनी है, गुड यार, गुड जॉब। उस वक्त अच्छी चाय ले, मैंने इस तरह ही बनाई थी, मैंने कहा अच्छी बात है, बहुत मजे की है, अच्छी बनी है, कोई सब्जियां नहीं पसंद, अच्छी बनी है। चाय भी अब चाय पीती है, और चाय जाके अपने रूम में जाके बैठ के पीते हैं चाय। मैं चाय पी लेती हूँ, चाय पी लूँ आज, चाय के साथ मैं कुछ भी नहीं खाऊंगी, चाय चाय। आंटी आपकी बेटी ने ये बनाई है, बनाई है और नए स्टाइल से बनाई है, और ये खा के देखें बड़ी मजेदार है। इसमें आंटी ना ही कोई चिकन है ना, ये तो वैसे ही बड़ी टेस्टी है, चिकन के बगैर ये मजेदार चिकन लग रहा है, ऐसे बेटी ने बनाई है ना, इसलिए उनको लगता है ऐसे लग रहा है जैसे इसमें चिकन डाला होगा, लेकिन बहुत टेस्टी है, इतना घर छोड़ जा रहा है टेस्ट, हल्की नमक मिर्च के साथ इसे बनाइए तो बहुत टेस्टी है। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।